नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंग्लैंड इनसाइड में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि कोई भी मेडिकल प्रोडक्ट की जानकारी हो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरा नाम है डीके, मैं हूं एक रिसर्चिंग फार्मासिस्ट मुंबई। हाँ, तो रिव्यू कर रहा हूँ आज एजी हील क्रीम। रिमेंबर इंडिया ऐसे मार्केट करती है एजी हील क्रीम को, 90 ग्राम्स इसकी एमआरपी है और ये स्किन रिवाइवल क्रीम है और स्किन को हील करने के लिए मानी जाती है। कोलोइडल सिल्वर जहाँ बर्न्स हो जाते हैं, जहाँ जल जाते हैं, बर्न्स हो जाते हैं, वहाँ यूज होती है कोलोइडल सिल्वर। यालुरोनिक एसिड डाला गया है और यालुरोनिक एसिड भी एक अच्छा स्किन रिपेयर करने का काम करता है। उसके बाद अगर ड्रेसिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं, बर्न्स होने के बाद, जल जाने के बाद जो ड्रेसिंग में अगर आप एजी हील क्रीम यूज करते हैं तो अच्छे रिजल्ट देगा। इसमें कोलोइडल सिल्वर है, कोलोइडल सिल्वर स्किन को, कोलोइडल सिल्वर इन्फेक्शन को बढ़ने, जो जल जाता है स्किन उसको बढ़ने नहीं देता, इन्फेक्शन को बढ़ने नहीं देता, उसको कम ही करते जाता है, उसको बचा के रखता है ताकि और ना बढ़े। हयालुरोनिक एसिड स्किन को नरिश करता है, इलास्टिसिटी बढ़ाता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है। हयालुरोनिक एसिड भी एक अच्छा इंग्रेडिएंट है जो एंटी एजिंग में भी यूज होता है, रिंकल्स भी हटाने के लिए यूज होता है, स्किन की इलास्टिसिटी, स्किन की क्वालिटी बढ़ाने में यूज होता है। तो ओवरऑल एजी हील क्रीम अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं आपको फॉर वूंड हीलिंग या जल जाने के बाद का जो जख्म है उसको भरने के लिए, तो ड्रेसिंग में यूज कीजिए, ये आपको अच्छे रिजल्ट देगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, शुक्रिया।